हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo Z1 X Android मोबाइल फोन में आप जो है 3-बटन नेविगेशन सेटिंग को अपने यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये 3-बटन नेविगेशन सेटिंग जो है कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा सिस्टम का, सिस्टम पर सेलेक्ट करना है। और सिस्टम के इस पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा सिस्टम नेविगेशन, सिस्टम नेविगेशन पे सेलेक्ट करना है। तो आपको अगले पेज में ये 3-बटन नेविगेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए 3-बटन नेविगेशन के सामने एक सर्कल दे रखा है, इस सर्कल पे आपको सेलेक्ट करना है, जिससे आपकी 3-बटन नेविगेशन सेटिंग आपकी ऑन हो जाएगी। और देखिए मेरे मोबाइल इस सेटिंग को ऑन करने से पहले ना मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए मेरे मोबाइल फोन के सबसे नीचे यहाँ पे 3 बटन जो दिखाई देने चाहिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं ना, तो जैसे मैं सेटिंग को ऑन करूँगा तो नीचे 3 बटन यहाँ पे दिखाई देने लग जाएंगे, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 बटन यहाँ पे शो होने लग गए हैं। तो इस तरीके से आपकी 3-बटन नेविगेशन सेटिंग ऑन हो जाती है। अब देखिए सेटिंग का आपको यूज़ कैसे करना है। देखिए अगर आप ये पहला बटन नीचे की साइड में ये दबाएंगे ना पहला बटन, तो आपको फोन बैक पेज पे जाएगा। अगर आप अपने ये सेकंड ऑप्शन यानी कि सेकंड बटन को दबाएंगे बीच वाले को, तो आपका फोन मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर जाएगा। अगर आप ये 3रा बटन दबाएंगे तो आपका फोन ओवरव्यू हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना इस तरीके से काम करती है आपकी 3-बटन नेविगेशन सेटिंग, ठीक है। अब मैं आपको ये 3-बटन नेविगेशन सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल फोन का आपको सेटिंग पेज है ना फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज को यहाँ पे फिर से ओपन कीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है सिस्टम नेविगेशन, ठीक है। तो आपको नीचे ये ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इससे क्या होगा आपका फोन आपको डायरेक्टली इस ऑप्शन में लेकर आ जाएगा। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।